हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जेके विजन में आपका स्वागत है। अपनी सीट बांध ले और चलिए फिर चलते हैं अयोध्या राम मंदिर की अद्भुत यात्रा पर। वास्तुकला। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों तक दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी है। मंदिर की मुख्य संरचना एक ऊंचे मंच पर बनाई जाएगी और इसमें 3 मंजिलें होंगी। इसमें गर्भगृह के मध्य और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुडू नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखर से सजाया जाता है। निर्माण कार्य राजस्थान के बांसी से 600,000 घन फीट 17,000 घन मीटर बलुआ पत्थर से पूरा किया जाएगा। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। देव रामलला विराजमान विष्णु के अवतार राम का शिशु रूप मंदिर के प्रमुख देवता है। रामलला की पोशाक दर्जी भागवत प्रसाद और शंकरलाल द्वारा सिली गई थी, जो राम की मूर्ति के चौथी पीढ़ी के दर्जी थे। रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामले में एक वादी थे। उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। उनका प्रतिनिधित्व VHP के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का सबसे करीबी मानव मित्र माना जाता था। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर परिसर में सूर्य गणेश शिव दुर्गा विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियां, उनमें से एक 5 वर्ष पुरानी स्थापित की जाएंगी। निर्माण ये भी देखें, 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। भारत में COVID-19 महामारी लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य अस्थायी रूप से निलंबित हो गया। द 25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राम की मूर्ति को एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। मंदिर के निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद VHF ने विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें लोग अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा होकर विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करेंगे। द 6 अप्रैल 2020 ऐसा मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई है कि गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के लिए निर्धारित तिथि द 22 जनवरी 2024 है। द 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। भूमि पूजन समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शन करते हुए भूमि पूजन या राम मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही हैं। मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन या भूमि पूजन समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। भूमि पूजन समारोह से पहले 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान आयोजित किया गया था, जो 40 किलोग्राम 88 पाउंड चांदी की ईंट की स्थापना के आसपास घूमता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला। एक दिन पहले 4 अगस्त को मंदिर में सभी प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करने के लिए रामार्चन पूजा अनुवादित श्री राम के चरणों की पूजा की गई थी। भूमि पूजन के अवसर पर भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल एकत्र किया गया, जैसे कि प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम, साथ ही तलकावेरी में अपने उद्गम स्थल कावेरी नदी, कर्नाटक और असम में कामाख्या मंदिर। मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों गुरुद्वारों और जैन मंदिरों के साथ साथ 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों से भी मिट्टी भेजी गई थी। द 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन के कार्यक्रमों के लिए भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत, राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य गोपाल दास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। प्रतिक्रियाओं। 2021 वर्तमान। अगस्त 2021 में जनता के लिए मंदिर स्थल में निर्माण कार्यों का अवलोकन करने के लिए एक देखने का स्थान बनाया गया था।
भूमि पूजन समारोह के बाद 40 फीट 12 मीटर तक मलबा हटा दिया गया और शेष मिट्टी को दबा दिया गया। नींव रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग करके बनाई गई थी। कुल 47-48 परतें, प्रत्येक परत 1 फीट ऊंची, सितंबर 2021 के मध्य तक पूरी हो गई। मिर्जापुर में बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण बलुआ पत्थर की कटाई धीमी हो गई थी। 2022 की शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें अन्य संबंधित जानकारी के साथ 3D में मंदिर के नियोजित निर्माण को दिखाया गया था। जनवरी 2023 में नेपाल में गंडकी नदी से 60 मिलियन वर्ष पुरानी दो शालिग्राम चट्टानें क्रमशः 26 टन और 14 टन भेजी गईं। इन चट्टानों का उपयोग गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को तराशने के लिए किया गया था। 75 मई 2023 तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 70% जमीनी काम पूरा हो चुका था और 40% छत का काम पूरा हो चुका था। दिसंबर 2023 तक मुख्य मंदिर को घेरने वाले 6 उपमंदिरों सहित संपूर्ण आधार, जिसमें गर्भगृह शामिल है, लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 तक पूरा होने की राह पर है। अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामोत्सव के लिए 1001 INR 13 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स मिलियन निर्धारित किए हैं, जो उत्तर प्रदेश के 826 स्थानीय निकायों और राम पादुका यात्रा में धार्मिक आयोजनों की एक श्रृंखला है। दिसंबर 2023 में शुरू होने वाले कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन तक भव्य समारोह में समाप्त होंगे। ये यात्रा राम वन गमन पथ का अनुसरण करते हुए अयोध्या से राम के 14 वर्ष के वनवास की याद दिलाती हुई निकलेगी। प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ RSS संचालक मोहन भागवत, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अतिथि सूची में उद्योगपति, वैज्ञानिक, अभिनेता, सेना अधिकारी, आध्यात्मिक नेता और पद्म पुरस्कार विजेता भी शामिल है। दान मंदिर ट्रस्ट ने 55,600 मिलियन लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और योगदान अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। 10 रुपीज और उससे अधिक का स्वैच्छिक दान स्वीकार किया गया। 1 जनवरी 2021 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 INR से अधिक का दान देकर राम मंदिर के निर्माण में पहला योगदान दिया। इसके बाद देश भर के कई नेताओं और उल्लेखनीय हस्तियों ने इसका अनुसरण किया। अप्रैल 2021 तक पूरे भारत में दान से लगभग 5,000 रुपीज एकत्र किए गए। लगभग 150,000 विहिप कार्यकर्ताओं ने दान एकत्र करने में भाग लिया। मंदिर ट्रस्ट को मुस्लिम और ईसाई समुदायों के सदस्यों से भी दान प्राप्त हुआ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और सिद्धारमैया, जो अब कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सहित कुछ व्यक्तियों ने धन एकत्र करने के तरीके पर सख्ती से सवाल उठाया। पालन पोषण में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद खातों को डिजिटल बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लाया गया। लोकप्रिय संस्कृति में 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी। 2020 की दिवाली के दौरान नई दिल्ली के पैसिफिक मॉल में राम मंदिर का 32 फुट का मॉडल प्रदर्शित किया गया। राजपथ पर 2021 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। नारे मंदिर वही बनाएंगे, अनुवाद मंदिर वही बनेगा हिंदी में एक अभिव्यक्ति है और राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर के संबंध में सबसे लोकप्रिय नारों में से एक बन गया है। इसका उपयोग 1985-86 से ही किया जाता रहा है। 1990 के दशक में ये लोकप्रिय हुआ और इसमें कई विविधताएं हैं। यह आशा का प्रतीक रहा है और यह उत्सवों का हिस्सा बन गया है और स्टैंड अप कॉमेडी, चुटकुले और मीम्स का भी हिस्सा बन गया है। सत्यापन आवश्यक 2019 में इस नारे का इस्तेमाल संसद में किया गया था भारत और इसका उपयोग मीडिया घरानों द्वारा भी किया गया है। इस नारे का प्रयोग धमकी के साथ साथ प्रतिज्ञा के रूप में भी किया गया है। इस नारे के कई रूप हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इस्तेमाल किया गया नारा, सौगंधराम की खत है, हम मंदिर वही बनाएंगे, अनुवाद हम राम की शपथ लेते हैं कि हम मंदिर वही बनाएंगे, अन्य विविधताओं और रूपांतरों में शामिल है, वही बनेगा मंदिर, अनुवाद वहां एक मंदिर बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था, हम मंदिर वही बनाएंगे, अनुवाद मंदिर वही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अनुवाद राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे या राम लल्ला हम आएंगे, ठीक वही मंदिर बनाएंगे, और पहले मंदिर फिर सरकार, अनुवाद पहले मंदिर फिर सरकार।